में पहली खबर ये रही आपके स्क्रीन पर और मेरा नाम है भीमा चित्रा। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपके स्क्रीन पर कि केंद्रीय कर्मियों की तरह 4% महंगाई भत्ता मिलेगी। राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस मिलने की बात की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं वो बड़ी रिपोर्ट सीधे सीधे आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अगर हम यहाँ पर डिटेल में बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने और बढ़ी दर की महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा के बाद यूपी सरकार ने बम्पर ऑफर दे दी है। दीपावली से पहले बोनस और महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकती है। दशहरे के बाद सचिवालय खुलने की बोनस और महंगाई भत्ते दिए जाने की फाइल तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री की सहमति लेने के बाद अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और राज्य कर्मचारियों को शिक्षकों की बढ़ी दर महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4% बढ़ने की स्थिति में राज्य सरकार के खजाने पर महीने में करीब 300 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। आपको बता दें कि बोनस राशि अधिकतम 7,000 हो सकती है। अराजपत्रित कर्मचारी को बोनस केंद्र द्वारा तय दर के अनुसार राज्य में भी तय किया जाएगा, जिसके मुताबिक प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 7,000 रुपये बोनस मिलेगा। अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की घोषणा सरकार द्वारा किए जाने पर खजाने पर करीब 1,025 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। उत्तर प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या 14.82 लाख के करीब है। 4% वृद्धि के साथ 46% हो जाएगी, जिसमें डीए और डीआर जुलाई 2023 में 4% बढ़ी थी। दरअसल ये महंगाई भत्ता देने की घोषणा होने पर राज्य कर्मचारियों के डीए 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया था। बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा और डीए वृद्धि का लाभ करीब 10 लाख राज्य कर्मचारियों को और 8 लाख शिक्षकों को मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ 12 लाख पेंशनर जो पेंशनर हैं उनकी महंगाई राहत की दर भी 4% का इजाफा हो जाएगा। डीएडीआर वृद्धि लाभ कर्मचारियों का हक है, ऐसा माना जा रहा है। सरकार द्वारा डीएडीआर वृद्धि की घोषणा होने के नवंबर का वेतन जो दिसंबर से पहले सप्ताह में मिलने से ये नगद मिलने लगेगा। हालांकि यहाँ पर ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, 7,000 रुपये बोनस का अधिकतम सीमा, जिसमें 14,82,000 अराजपत्रित कर्मचारी यूपी से लाभ लेंगे। गोरखपुर में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया और इन्होंने यहां पर कुछ अपने कार्यक्रम किए। गोरखपुर मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने कहा कि शरदीय नवरात्र नारी गरिमा की प्रतिष्ठा पर्व है। सनातन धर्म के सदैव मातृ शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए, इसी भावना के अनुरूप प्रदेश में शक्ति कार्यक्रम प्रभावी ढंग से बढ़ाए जाए। केंद्र व प्रदेश सरकार नारी गरिमा के अनुरूप सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की अनेक योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री सोमवार को गोरखपुर मंदिर में जो शारदीय नवरात्रि महानवमी तिथि पर कन्या पूजन के मीडिया कर्मियों से बातचीत की और ये जानकारी दी। यहां पर आप देख सकते हैं पिछले साल अक्टूबर में की गई थी वृद्धि और इस वर्ष दीपावली से पहले ही सभी कर्मचारियों को बोनस मिलने वाला है। तो अगर ऐसी खबर आप देखना पसंद करते हैं, आपको लगता है कि मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन सही दी गई है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।